अभी हमारे साथ मौजूद है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल श्री कृष्ण ढले जी। इनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में प्रियदर्शनी कॉलेज एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है या इवेंट होस्ट कर रहा है, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस इवेंट का महत्व और क्या क्या चीज़ें हो सकती है इस इवेंट में, कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है और कहाँ कहाँ से इनके पास में आवेदन आए हुए हैं इस इवेंट के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू दैट On coming 19 Saturday, October, we have IIT Zonal Tech Fest in Priyadarshini College of Engineering. And we are really delighted to tell you that almost more than 1000 of entries have already been arrived. और इस Zonal Tech Fest के अंतर्गत चार अलग अलग टाइप के इवेंट्स रहेंगे। जो पहला इवेंट रहेगा रोबो वार, दूसरा है क्विज कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल किड, तीसरा है कोडिंग कंपटीशन और चौथा है पाथ फॉलोइंग रोबोट कंपटीशन। ये मुझे बताते वक्त हर्ष होता है कि ये जो जोनल टेक फेस्ट है इसका एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि एक इनोवेटिव टीचिंग के द्वारे बच्चों को सामने लाया जाए ताकि जो हमारे इंटेलेक्ट माइंड्स होते हैं उसको आगे हम कैसे बढ़ावा दें, ये भी उसका एक उद्देश्य है। इस जोनल टेक फेस्ट का फिनाले जो है वो IIT मुंबई में होगा, उसकी डेट उन्होंने अनाउंस की है 17 से 19 दिसंबर। ये जो चार इवेंट्स अलग अलग इवेंट्स हमारे कॉलेज में होने वाले, इसमें से हर इवेंट्स में से तीन विनर चुने जाएंगे और इन तीन विनर्स को एक इवेंट में तीन विनर ऐसे 12 विनर जो होंगे वो IIT मुंबई में फिनाले में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। और हर इस कॉम्पिटिशन में वहाँ पे काफ़ी यूज अवार्ड्स और रिवार्ड्स रखे हैं और वो जो बच्चे IIT के फिनाले में जो सिलेक्ट हो गए विनर करके उनको फंडिंग करना, उनको ये सब आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को स्टार्टअप में कन्वर्ट करना, ये भी IIT मुंबई की अपनी जिम्मेदारी है। सो एक बहुत बड़े पैमाने पे ये इवेंट PC के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है। और मैं सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज रजिस्ट्रेशन करो करके इस जोनल टेक फेस्ट का फ़ायदा ले। अभी तक जो एंट्रीज आई है उसमें बहुत सारे बच्चे IIT कानपुर से है, NIT रांची से है, वारंगल से है और हमारे विदर्भ की जितने भी तमाम बड़े कॉलेजेस है, इवन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है और अदर कॉलेजेस, इन तमाम बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो मैं फिर से एक बार बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि दे शुड रजिस्टर फॉर दिस जोनल टेक फेस्ट एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस इवेंट एट द फुलेस्ट। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के वाइस प्रिंसिपल गजेंद्र आसुटकर सर। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो IIT फेस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है या फिर ये होस्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज इनसे लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी किस तरीके से इससे मोटिवेट हो सकती है। सर, ये जो IIT फेस्ट आने वाला है, आप जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं प्रियदर्शनी कॉलेज की तरफ से होस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कुछ बताइए। पहले तो मैं बताऊं कि ये IIT टेक फेस्ट जो है ये IIT मुंबई ऑर्गेनाइज करती है और जिसके अंतर्गत 6 जोन आते हैं, 6 जोन में से नागपुर एक जोनल है। और इस जोन के अंदर में जितनी भी 4 एक्टिविटीज़ हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होस्ट है और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है बाकी के जो इस जोन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मुख्य उद्देश्य इसका है कि IITs और बाकी के जो इंस्टीट्यूट है या जो स्टूडेंट्स है जो बाकी के क्षेत्र में रहते हैं उनको IIT के साथ जोड़ना और जितनी भी उनमें एक इनोवेटिव और टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ रहती है उसको एक्सप्लोर करने का एक मौका इस तरह की जोनल एक्टिविटीज़ से मिलता है। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने जब बताया कि इसमें से 3 टीम्स चुनी जाएगी और हर एक्टिविटी में से 3 टीम्स चुनने के बाद IIT मुंबई में पार्टिसिपेट करेगी और जहाँ पर उनको एक मौका मिलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने टैलेंट को, अपनी कॉम्पिटिशन्स को, अपनी स्किल को और अपनी कंपिटेंसी को दुनिया के सामने लाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जिस तरह से एक स्कूल के बच्चों के लिए कंपटीशन है, मतलब स्कूल का बच्चे जो अभी है उनके लिए क्विज कंपटीशन रखी गई है, उसका भी उद्देश्य यही है कि वे अपने आप को एक टेक्निकली एक्सप्लोर करें, वो यहाँ आए और इन इवेंट्स को देखें और इन इवेंट्स को देखने के बाद उनमें एक जिज्ञासा जो जागेगी कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है
और ये जिज्ञासा उनको प्रेरित करती है कि आने वाले समय में वो भी एक अच्छे टेक्नोक्रेट्स बने और टेक्नोलॉजी पे काम करें। तो कुल मिला के इस इवेंट्स में एक अच्छा प्रतिसाद मिला है और प्रिंसिपल सर ने जैसे बताया था कि बहुत सारे कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्रिपल आई टी नागपुर है, VNIT नागपुर है, उसके बाद में कुछ वारंगल के कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है, रामदेवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है, यहाँ के सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब ये सारे विद्यार्थी एक साथ आते हैं तो एक अच्छा नेटवर्किंग होता है, एक बॉन्डिंग होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कॉलेज में सारे लोग अपने एक क्लस्टर में रहते हैं, अपने जोन में रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई नेटवर्किंग इवेंट होती है सारे बच्चे एक साथ आते हैं और हर किसी का जो टैलेंट पूल होता है वो वहाँ पर एक्सप्लोर रहता है। सर मैं एक बात और जानना चाहता था कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, क्योंकि इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट भी ये है कि स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी इसमें कुछ रखा गया है, तो वो किस तरीके से आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चों को? हमारे स्कूल गोइंग बच्चे भी बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आप देखिए आपके यहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह रहता है, तो मोबाइल फ़ोन में जितनी सारी चीज़ें बच्चों को मालूम होती है ना, उनके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होती। तो ये उनकी जिज्ञासा को एक दिशा देना, उनके सोच को एक डायरेक्शन देना, तो ऐसी इवेंट्स में उनको क्विज कॉम्पिटिशन रखिए ताकि वो जिज्ञासु हो, उस चीज़ को सोचे कि हमको आगे इसमें कैसा करना है। और जब वो यहाँ आएंगे ये सारी इवेंट्स को वो देखेंगे कि कैसे रोबो रेस हो रही है, किसे कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, और उससे उनकी जिज्ञासा को और आगे बल मिलेगा और वो एक अच्छे आने वाला भविष्य हो तो वो लोग एक अच्छी इवेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे कुल 8 IIT बॉम्बे के छात्र आ रहे हैं जो इस इवेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, IIT के छात्र और बाकी सारे छात्र, और उसके साथ स्कूल बच्चे मिलेंगे, तो एक अच्छा नेटवर्क तैयार होगा, एक अच्छा फोरम तैयार होगा, और उस तैयार फोरम में बच्चों को स्वाभाविक बहुत अच्छा फायदा होगा। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, सर अभी जो किसी को और आवेदन करना होगा या इसमें हिस्सा लेना होगा तो अभी भी एंट्रीज चालू है या बंद हो गई? IIT टेकफेस्ट की जो वेबसाइट है उसमें अभी भी ये एंट्री ओपन है, वो लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और जो पार्टिसिपेट नहीं भी हुए उन लोगों ने भी आना है, सारी इवेंट्स कैसे कोऑर्डिनेट होती है, कैसे ये होती है, आने के लिए कोई किसी को चार्जेस नहीं ले रहे, आने के लिए सबके लिए ओपन है। जो भी आना चाहता है, इस इवेंट को देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है कि कैसे एक टीम इस नेटवर्क करते हैं और कैसे IIT कोई कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करती है, एक उनके लिए अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये सभी के लिए ओपन है। इसमें कोई एज का बार नहीं है, इसमें कोई साइंस, स्कूल, आर्ट, कॉमर्स सभी ब्रांच के लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो ये थे वाइस प्रिंसिपल ऑफ प्रियदर्शनी कॉलेज गजेंद्र आसूटकर सर। इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ साझा किया कि किस तरीके का ये फेयर होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरीके से हर चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही है। अब देखते हैं कि कितना लाभ इससे सबको होगा। हमारे साथ है डॉक्टर वीरेंद्र ताकसांडे जी, ये स्टूडेंट्स अफेयर के डीन है प्रियदर्शनी कॉलेज के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पे, इससे स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा। सर ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है IIT का, इससे स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा सर? सर ये जो इवेंट है हमारे कॉलेज के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, और ये इवेंट जो है IIT बॉम्बे और प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दोनों का जॉइंट वेंचर है। और ये जो इवेंट है हमारे कॉलेज में 19 अक्टूबर को हो रहा है और बहुत ग्रैंड लेवल पे हो रहा है। यहाँ पे 1000 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और वो भी पार्टिसिपेंट है IIT खड़गपुर के है, IIT कानपुर के है, IIIT के है, IIIT नागपुर के है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के, और वेरियस पार्ट से या सेंट्रल इंडिया के सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इस इवेंट में सर टोटल 4 जो है इवेंट होने वाले हैं, जिसमें क्लॉजबो मेक्स है, मेस्मराइज है, कोड कोडिंग है, और टेक्निकल कोडिंग है, रोबो वार है यहाँ पे। तो ये इवेंट सर टोटली टेक्निकल है, और यहाँ पे जो है बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है, और टेक्निकल इवेंट होने की वजह से बच्चों को बहुत इनोवेटिव चीज़, रोबोटिक्स के बारे में, कोडिंग के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में, बहुत वेराइटी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बच्चों को यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। और बच्चे यहाँ से रिसर्च के लिए जा सकते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और यहाँ से टेक्निकल उनको नॉलेज इतना बढ़ेगा कि उनकी ज़िंदगी, ये इवेंट जो है उनकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अगर किसी में इनोवेटिव आइडिया कोई लेकर आ रहा है तो क्या उसको स्टार्टअप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगे, तो ये बच्चों को कितना हेल्प कर सकता है आपके हिसाब से? सर हमारा जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज में हम लोगों का एक यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ पर हम लोगों को गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, अटल जो योजना है उसके अंदर में करोड़ों की ग्रांट हमारे पास मिलती है, और हम लोग ऐसे बच्चे जो है जिनकी नए नए आइडियाज़ है और जिनको पैसे की फाइनेंस की मदद
लगता है, जिनको एरिया चाहिए, जिनको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे कॉलेज में अवेलेबल है और हम लोग ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, राइट फ्रॉम द एरिया टू द फाइनेंस असिस्टेंट, और उनका प्रोडक्ट भी हम लोग डेवलप करके मार्केटिंग कैसे करना उसका भी हम लोग यहाँ पे बच्चों को सुविधा अवेलेबल कर देते हैं। ये जो है इसकी वजह से बच्चों को अपनी कंपनी ओपन करने के लिए, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो ड्रीम है वो साकार करने के लिए ये इवेंट बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो है वेस्टर्न जोन का इवेंट है जो हमारे कॉलेज जो है इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इससे बच्चों का कैरियर, बच्चों का जॉब, बच्चों का एंटरप्रेन्योरशिप और उनकी खुद की फैक्ट्री का जो ड्रीम से वो पूरा करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। अभी हम लोग मौजूद है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रांगण में। यहाँ पर एक टेक फेस्ट का इन लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इवेंट किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ें इस इवेंट से जुड़ी हुई है और क्या क्या चीज़ें आने वाली जो पीढ़ी है जिनको आईटी से रिलेटेड समस्या है या उनको उसमें रुचि भी है, तो इस इवेंट के ज़रिए उनको क्या क्या चीज़ें समझने मिल सकती है। सर, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या आपको इसकी जिम्मेदारी मिली है, इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो इवेंट है सर, जैसे टेक फेस्ट आपने बताया, सो दिस टेक फेस्ट इज बेसिकली अ जोनल कॉम्पिटिशन विच इज़ होस्टेड बाय आर कॉलेज प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और ये जो टेक फेस्ट है एक सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल जोन में हम लोग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये टेक फेस्ट बेसिकली IIT बॉम्बे के अंदर का इवेंट है जहाँ पे 5 अलग अलग इंडिया के जो जोन्स है उन जोन्स में अलग अलग जोनल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम यहाँ पे 4 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलग अलग, और हर एक इवेंट में जो टीम्स रहेगी यहाँ से विनर टीम रहेगी ये जाके IIT बॉम्बे में फिनाले खेलेगी। सर, ये जो टेक फेस्ट हो रहा है इसमें कई सारे 4 ग्रुप्स है जिसमें रोबो वॉर्स भी है, तो आप अपने इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके पास में किस चीज़ का ये है। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैं जो है मैं कॉस्मो क्लेंच देख रहा हूँ। ओके, इट इज़ अ रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन इन विच द एरिना विल बी बिल्ट। एरिना यानी एक प्लेटफॉर्म हम बना के देंगे जिसमें ऑब्स्टिकल्स रहेंगे एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स कि वो अपना मैनुअल बॉट खुद बना के लाएँ। बॉट यानी छोटा रोबोट को बॉट बोलते हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो उसमें जो टेरेन है उसके ऑब्स्टिकल्स को वो क्लियर करें। एंड देर आर टिल नाउ 168 पार्टिसिपेंट्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द विनर्स आउट ऑफ देम। थैंक यू। सर, व्हाट अबाउट यू, आपके पास में भी ये इतना बड़ा आप टेक फेस्ट होस्ट कर रहे हैं, आप क्या इसमें किस तरीके का कोऑर्डिनेशन आपका है इसमें? जी, मैं यहाँ पे कोड डिकोड नाम का एक कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। अभी तक लगभग 200 बच्चों की एंट्री यहाँ पे आ चुकी है और ये एंट्री ऑल ओवर महाराष्ट्र नागपुर जोन से है। और इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बच्चों को दिए जाने वाले हैं और उस बेसिस पे बच्चों को 3 घंटे की प्रतियोगिता में उनको कोड करके देना है। तो इस तरह का ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपके पास में कौन सा वाला डिपार्टमेंट है जिसमें आप ये IIT जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ट्विलियम इवेंट करके हैं जिसमें हम पोस्टर कंपटीशन ले रहे हैं बच्चों का आइडियाज़ या फिर प्रोजेक्ट का आइडिया उनका, उनको A3 साइज़ के पोस्टर में डिस्प्ले करना है और उसमें वो लोग अपना एग्जिबिट कर सकते हैं कि उनको उनका आइडियाज़ किस तरह से यूज़फुल है टू द सोसाइटी और टू द एनवायरनमेंट। मैम, आपके पास में कौन सा वाला इसका ये है जो आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं? इतना बड़ा IIT फेस्ट प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, इसके बारे में आप क्या? सर, आई एम डॉक्टर लीना पाटिल, HOD कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। एक्चुअली वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टेक फेस्ट, लाइक 3-4 इवेंट्स आर देयर एंड द 5th इवेंट इज स्पेशली फॉर द ऑल ओवर दिस RTMNU कॉलेजेस एंड अबाउट द पोस्टर कॉम्पिटिशन एंड सो दैट द स्टूडेंट्स कैन शोकेस देयर टैलेंट्स एंड आइडियाज थ्रू देयर पोस्टर कॉम्पिटिशन एंड थैंक यू सो मच। मैम, आपके पास में कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आप ये IIT फेस्ट इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हो रहा है? आई एम डॉक्टर मिसेस जया भट्टर। ये IIT टेक फेस्ट के अंदर जो मेरा है मेशमराइज रोबो रेस कॉम्पिटिशन है, दैट इज़ द लाइन फॉलोइंग रोबोट। एक पाथ दिया जाएगा तो दैट ऑटोनोमस बोट इज़ देयर हु विल फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ एंड विच विल रीच टू द डेस्टिनेशन द इन अ मिनिमम स्पीड इन अ मिनिमम टाइम लिमिट। So I am coordinating this particular event. Okay. Total 160 entries are there till now. मैं डॉक्टर अर्चना पोतनुरवार, अंडर द गाइडेंस ऑफ आसुटकर सर एंड गोलाइत मैडम, हमारा ये टेक फेस्ट इवेंट हो रहा है जिसमें हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 8th, 9th, 10th के स्कूल्स के बच्चे आएंगे और वो क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जनरल नॉलेज के ऊपर क्विज रहेगा।
I am a Dr. Snehal Golait. I am the co-coordinator of this event. So under our event, there are the four events already told by our co-coordinators and the event coordinators. So we are getting the huge participants from different cities also. So means our target is near about 900. प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे आने वाली पीढ़ी को आईटी से रिलेटेड या फिर एआई से रिलेटेड जागरूक करने की या उनको मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा कदम प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उठा रहा है। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र TV 24।